नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। ये देखो, नीचे से पूरी फ्रिल है। बाजू के आगे भी फ्रिल बनाई मैंने, और इसकी सिलाई गले से शुरू होता है ये और नीचे की तरफ आता है, और बाजू की सिर्फ सिलाई होती है और यहाँ आगे पीछे की कोई सिलाई नहीं होती। ये देखो, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है, जहाँ मैंने 4 बटन लगाने हैं, 1, 2, 3, 4। बाकी नीचे फ्रॉक की तरह खुला छोड़ देंगे। ये फ्रिल को ऊन काफी लग जाती है। ये देखो, ऐसी बनी फ्रिल, पूरी फ्रिल बनी है ऐसे। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया मैंने। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने ऊन ली है और 10 नंबर की सिलाइयों में, मैं 9 नंबर की सॉरी सिलाइयों में बने बनाया है। ये 300 ग्राम ऊन लगी है इस फ्रॉक को, और गले से शुरू होती है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 69 फंदे डाले हैं। 69 फंदे डाल के मैंने ये ऊपर थोड़ा सा मैंने बॉर्डर का, गले के बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया। ये देखो कैसे बनाया मैंने। बिल्कुल सिंपल है और बहुत सुंदर लगता है ये। पहले आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने। अंदाजे से मैंने फंदे डाले, पहली सिलाई उल्टी, पूरी सिलाई उल्टी डाल लेनी। दो दो सिलाइयां हमने उल्टानियां हैं, बस इधर से हमारी सीधी आ जाएगी। अब इधर से हमने सीधा बुनना। दो मैंने उल्टी सीधी बुन ली, और दो हमने फिर उल्टी सीधी ही बुननी है, पर लेकिन उल्टी ऊपर सीधी। ये यहां से मैंने सीधा बुन लिया फिर। ये देखो, इधर से उल्टी आ जाएगी। ये देखो, अब इधर से फिर उल्टी बुननी हमने। दो चार छह सिलाइयां हमारी हो गई। देखो, दो ये डाली थी हमने सीधी उल्टी की, फिर सीधी उल्टी, फिर सीधी उल्टी, इधर से सीधी आ जाएगी। देखो बिल्कुल ऐसे आनी है, बीच में ऐसे देखो सिंपल आ रहा है।
ये देखो, पहले ये, फिर दो सिंपल, इधर से उल्टी सीधी, फिर इधर से उल्टी सीधी, ऐसे हमने बॉर्डर, गले का बॉर्डर बनाया है। ये देखो, ये सीधी उल्टी है, फिर सीधी उल्टी, फिर सीधी उल्टी, ऐसे आपने गले का बॉर्डर बनाना है। ये देखो, अब हमने ये बनाने के बाद, ये देखो, पहले दो सीधी उल्टी, फिर दो सीधी उल्टी, फिर दो सीधी उल्टी, फिर दो सीधी उल्टी, ये हमारा सीधी और है, 2, 4, 6, 8 सिलाइयाँ हमने ये डाली है। अब हमने डिज़ाइन शुरू करना है, उल्टी तरफ से मैंने डिज़ाइन शुरू करना है। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, एक फंदा हमारा सीधा आएगा, उधर से हमारा उल्टा आ जाएगा, फिर 3 फंदे हमारे उल्टे, एक फंदा हमारा सीधा, 3 फंदे हमारे उल्टे। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, ऐसे ऐसे आप पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेना। तीन फंदे सीधे, और सॉरी, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये बटन पट्टी के हमारे आ गए, 6 फंदे बटन पट्टी के। अब हमारी सीधी रो, हमने जहां बटन होल बनाना है, 3 फंदे बुन लिए, धागा आगे किया, 2 का 1, एक दो तीन, ये हमारा जो फंदा हमने उधर से उल्टा बुना था ना, इधर से हमने सीधा बुनना, ये पूरी सीधी सिलाई जाएगी, उधर से भी, उधर से जो फंदा सीधा, इधर से भी सीधा, सीधे सीधे बुनना, ये वाला एक सीधा बुन लिया, दूसरा भी सीधा, इसमें अपना हमने जाली बनानी है, धागा आगे, जाली, धागा आगे, फिर जाली, ये बंदा फंदा भी सीधा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, जो हमने 3 फंदे बुने थे उसमें जाली डालनी है हमने, एक जाली और 2 जाली, 2 फंदे सीधे बुन के, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, 2 जाली, फिर 1, 2, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, दूसरी जाली, 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, दूसरी जाली, सीधी रो पूरी सीधी जाएगी, उल्टी रो में एक फंदा हमारा सीधा आया करेगा, धागा आगे, एक जाली, 2 जाली, एक जाली, दूसरी जाली, फिर 1, 2 सीधे बुन लिए, एक जाली, धागा आके, दूसरी जाली, धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, दूसरी जाली, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, दूसरी जाली, 2 फंदे हमारे सीधे, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, 2 जाली,
एक फंदे के आसे पास से हमारी जाली डलेगी, जो तीन फंदे हमने बुने ना उसके सेंटर वाले फंदे के आगे जाली पड़ेगी। जो सेंटर वाला फंदा आ गया ना, एक हमने बुन लिया, एक सेंटर वाला फंदा, इसके आगे जाली और इसके बाद जाली, ये बटन पट्टी के फंदे। बटन पट्टी के फंदे हमने सीधे सीधे बुनने, ये फंदा हमारा सीधा आ गया। आगे हमने तीन फंदे उल्टे बुने थे, अब पांच फंदे होंगे, एक दो तीन चार और पांच, एक फंदा हमारा सीधा, फिर पांच फंदे हमारे उल्टे, क्योंकि हमने जाली डाली, दो फंदे हमारे बढ़ गए। एक फंदा हमारा सीधा, फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार और पांच, एक फंदा हमारा सीधा, एक दो तीन चार और पांच, ऐसे आपने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। अब सीधी सिलाई हमारी, ये बटन पट्टी के फंदे, ये फंदा हमारा सीधा एक आएगा, दो तीन, ये देखो हमने जहाँ जाली डाली थी एक सीधी सी आ गई, इसके आगे हमने एक और जाली डालनी, फिर धागा आगे, दूसरी जाली, फिर दो फंदे हमारे सीधे, तीन फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे यहाँ, और चार, फिर धागा आगे, पहले तीन थे, फिर अब पाँच हो, अब सात हो जाएंगे। ऐसे आपने जाली डालने जाना और थोड़ा सा बना लो, फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना। ऐसे पहले हमने एक फंदे के बाद जाली डाली थी, फिर दो के बाद अब डालनी, एक एक सीधा वो वाला, एक और दो और जाली, फिर धागा आगे, जाली, फिर एक दो तीन चार, धागा आगे, ऐसा पूरा कंप्लीट। एक दो, ये देखो, धागा आगे, जाली, धागा आगे, जड़ी चेन सी आ रही है ना सेंटर में, ये वाली जहां जाली डालनी हमने, एक जाली और दो जाली, बाकी फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, दूसरी जाली, ये हमारी दो जाली होगी, अरे एक और दो। ऐसे हमने थोड़ी जाली बनाकर आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बनाकर क्या करना है। उल्टी सिलाई में तो एक फंदा सीधा आएगा, बाकी सारे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, बाकी सारे उल्टे, ऐसा बना लो, थोड़ा सा बना कर आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो इतना बन गया,
मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाली मैंने डाल ली है। ये पत्ती की शेप बन गई है। अब पत्ती की शेप हमने बनानी है, अब इसको हमने बंद करते जाना पत्ती को। ये पत्ती इतनी बनी है, आपने थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप जाली और भी डाल सकते हो। बड़ी पत्ती डालनी हो, बड़ा स्वेटर बनाना हो, थोड़ी सी जाली और डाल लो तो फंदे और बढ़ जाएंगे। अब हमने इसको बंद करके और इसकी पत्ती की शेप देनी है इसको। वो कैसे देनी वो देखो। अच्छा, हम बटन होल भी करना है धागा आगे दो का एक। ये फंदा सीधा धागा आगे करना आपने। अच्छा, हमने दो फंदों का एक करना, धागा आगे, जाली भी डालनी साथ में, दो फंदों का एक। अब हमने जाली जहां नहीं डालनी, जहां भी हमने दो का एक करना है। ये फंदे हमने ऐसे बनाने हैं कि चेन सी थोड़ी सी आ जाए। ये देखो, दो का एक करके धागा आगे एक जाली, फिर धागा आगे दो का एक। जो हमने फंदा बढ़ाया दूसरी तरफ से हमने उसको सीधा ही बुनना है। दो का एक धागा आगे जाली, फिर धागा आगे दो का एक। ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक पत्ती के दोनों तरफ से फंदे हमने एक एक फंदे दो दो का एक एक करना है। जैसे इतनी हमारी पत्ती है, दोनों तरफ से हमने दो का एक किया, धागा आगे जाली डाली, फिर धागा आगे दो का एक। जहां जाली नहीं आपने डालनी, वह दोनों साइडों में जाली आपने डालनी। दो का एक धागा आगे जाली, फिर धागा आगे, दूसरी पत्ती हमारी स्टार्ट हो गई। अब बाकी फंदे सीधे,
ऐसे करने से ज़रा चेन सी आ जाएगी थोड़ी। दो का एक धागा आगे जाली, फिर धागा आगे, फिर दो का एक, ऐसे आपने पूरी कंप्लीट कर लो ये वाला। एक आप पत्ती हमारी खत्म होती है, जाली डाली, फिर एक और जाली डाली, ये पत्ती हमारी स्टार्ट होती है। पत्ती के फंदे हमारे बंद हो जाएंगे, वो दूसरी तरफ से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। ये पटन पट्टी के बनते हैं। उल्टी सिलाई में हमारे फंदे, एक उल्टा एक सीधा फंदा आता था, अब चार फंदे आएंगे सीधे। ये बटन पट्टी के ये फंदा जरा हमने बढ़ाया था, ये भी सीधा, एक फंदा और सीधा, और एक हमारा ये भी सीधा, बाकी फंदे उल्टे। ये जाली वाला फंदा एक सीधा, एक फंदा ये वाला सीधा, और एक फंदा ये वाला सीधा, तीन फंदे सीधे आएंगे, सॉरी, फिर उल्टे। दो फंदे हमारे बड़े ना जाली के साथ, इसलिए तीन फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। पीछे एक दो और तीन, ऐसे आप सारा पूरी कंप्लीट कर लो। ये देखो दूसरी सिलाई है, ये दो का एक किया, दो का एक करने के बाद हमने जाली डाल ली, एक जाली डाल ली, एक सीधा, दो सीधे, फिर आगे धागा किया, फिर हमने ये दो का एक करना, एक पत्ती के दोनों तरफ से दो दो फंदे हमने दो 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 का एक करना। देखो फिर सारे फंदे बुन लिए, लास्ट में दो फंदे आ गए। इसे हमने उल्टाना इसलिए कि थोड़ी चेन सी आए। दो का एक धागा आगे, दो का एक करने के बाद हमने जाली डालनी, बस इतना ध्यान से रखना, बाकी फंदे जो बीच में आएगा सीधे सीधे आ जाएंगे।
और फिर धागा आगे, फिर दो का एक करना हमने, ये ऐसे ही कर लेना। फिर बाकी फंदे ऐसे बुन लेने। ये पत्ती, एक पत्ती सी, दूसरी पत्ती स्टार्ट हो गई है। लास्ट में जब हमने दो का एक करना, तब फंदे उल्टाने हैं। दो का एक, धागा आगे, जाली, फिर दो फंदे सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे, फिर दो का एक। ये पत्ती हमारी स्टार्ट हो रही नवी। पहले फंदा हमारा एक था बीच में, अब हमारे एक दो तीन, फिर तीन हुए, फिर अब पांच हो गए। ऐसे बीच में फंदे हमारे सीधे सीधे बढ़ते जाएंगे, ये फंदे हमारे कटते जाएंगे, पत्ती की शेप लेते जाएंगे। उल्टी सिलाई में तब जैसे हम बुनते थे, एक फंदा पहले उल्टा बुना, फिर तीन सीधे बुने, अब पांच फंदे सीधे हो जाएंगे। ऐसे ही आपने थोड़ा बना लो, थोड़ा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ, एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। ये देखो पत्ती का एंड आया, एंड में हमने ये फंदे उल्टाने हैं। ये दो का एक कर दिया, दो का एक करने के बाद हमने जाली डालनी, ये जाली डाल ली, फिर दो फंदे सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे किया, फिर दो का एक करना। ये पत्तियां नवी स्टार्ट हो रही है हमारी। ऐसे आप थोड़ा बुना लो, फिर देखती हूँ। ये देखो ये पत्ती की शेप बन गई है। आ हमारे यहाँ तीन फंदे रह गए। ये देखो यहाँ हमारे सीधी सीधी सिलाइयाँ आ गई। ये देखो पत्ती की शेप। अब क्या करना, देखो पहले सीधे फंदे पटन पट्टी के, जहाँ आ गए यहाँ जाली डाल ली, ये तीन का एक कर देंगे हम। जहाँ फिर जाली, तीन फंदे हमारे बचे थे ना, ये सारे सीधे। ये तीन फंदे हमारे बचे हैं, धागा आगे किया, तीन का एक कर दिया, फिर जाली। ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग में हमने तीन तीन से शुरू किए थे, और लास्ट में भी तीन फंदे हमारे बच गए। ये तीन फंदे, धागा आगे, तीन का एक, फिर धागा आगे, जाली। ऐसे आपने पूरा कंप्लीट कर लेना। और उल्टी सिलाई में एक फंदा ही उल्टा आएगा, क्योंकि ये उल्टा फंदा एक ही है। चाहे आप पूरी सीधी चढ़ा लो, चाहे एक फंदा उल्टा रख लो, आपकी इच्छा है, दोनों तरह अच्छा लगेगा। ऐसे पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं। फिर हम फंदे डिवाइड करने हैं आपको, ये पूरा कंप्लीट करके आपको मैं फिर दिखाती हूँ। बस तीन का एक करते जाओ और दोनों तरफ जाली डालते जाओ।
धागा आ गए, ये तीन फंदे आ गए, तीन का एक, फिर धागा आ गए, जाली, ऐसे आप पूरा कंप्लीट कर लो। ये देखो, ये मैंने ना आगे वाले हिस्से के फंदे मैंने एक सिलाई में डाल लिए। अब हम ये बाजू, पहले बाजू बना लेंगे। अब सीधी सीधी सिलाइयां हमने चढ़ानी है। ऐसे पूरी सीधी सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयां आएंगी। चाहे आप सुई में फंदे डाल लो, धागे से धागे में डाल के इसको बंद कर दो, बाद में खोल लो, चाहे सिलाई में डालो, जैसे आपकी इच्छा। थोड़ा सा बना के मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। ये देखो, ये बाजू बना रही हूँ, मैंने आपको बताना भूल गई। जे आपने जे छोटा स्वेटर बनाना हो तो आप जाली जे वाली काम भी डाल सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डाली ना, आप 5 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, छोटा बनाना हो तो। जी, मैंने 36 फंदे आगे रखे हैं, 54 फंदे मैंने, 54 फंदे मैंने बाजू के, 70 पीछे, और फिर 54 बाजू के, और फिर 36 फंदे, 36 फंदे हमने आगे वाले हिस्से में रखे हैं। ये मैंने बाजू बना रही हूँ, बाजू को हमने फंदे कटाने भी है, जहाँ जहाँ से एक एक फंदा। ये देखो कैसे, क्योंकि हम फंदे बढ़ाते हैं जब नीचे से शुरू करो बॉर्डर, ये नीचे कम करते जाएंगे हम फंदे। सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। पांचवी पांचवी सिलाई में हमने ऐसे दो का एक करते जाएंगे। ये देखो कैसे, दो का एक किया, पूरे सीधा फंदे बुन लिए। पांचवी पांचवी सिलाई में हम दोनों तरफ से एक एक फंदा हम जहां भी, पहले हम दो का एक कर देंगे। ये बाजू है हमारी, ऐसे हम पांचवी पांचवी सिलाई में हम फंदे एक दो का एक करते जाएंगे। ऐसे पूरा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, एक मैंने बाजू बना ली है। ये देखो, के आगे भी मैंने वही वाला डिजाइन आगे भी रिपीट किया, इसके आपके आगे फ्रिल बन गई फिर इसकी। ये देखो, एक बाजू तैयार हो गई, दूसरी भी तैयार होने जा रही है। लंबाई अपने बच्चे के हिसाब से रख लेना। और मैंने 34 फंदे जहां रखे है पूरे,
जहाँ एक फंदा हम चौथी चौथी सौ पंजवीं सिलाई में कटाते जा गए सी, उधर नाल 34 फंदे हमारे पास रह गए। अब उल्टी सिलाई में फिर वो डिजाइन डालना है। तीन फंदे मैंने पहले सीधे बुन ले, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, दो और तीन, एक सीधा, एक दो और तीन, एंड में चार फंदे आ गए इधर। सीधी सिलाई, ये चार फंदे तो हमारे सीधे जाएंगे, ये तीन फंदे हमारे उधर उल्टे बुने थे, इधर सीधे हो गए ना, एक फंदा सीधा बुन लिया। और सेंटर वाले फंदे में हमने जाली डालनी है, एक जाली धागा आ गया, दो दूसरी जाली, फिर दो सीधे आ गए, एक जाली और दूसरी जाली। ये सिलाई पूरी सीधी जानी है, एक जाली और दूसरी, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर एक जाली, जो तीन फंदे थे उसमें सेंटर वाले फंदे में हमने दोनों तरफ से जाली डालनी है, धागा आगे एक जाली, धागा दूसरी जाली, धागा आगे एक जाली, धागा आगे दूसरी जाली। एक जाली और दूसरी जाली, ये तीन फंदे हमारे सीधे। उल्टी सिलाई, एक फंदा हमारा उल्टा, दो फंदे उल्टे, सॉरी, ये सीधे, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, पहले तीन फंदे उल्टे बुने थे ना हमने, अब पांच हो जाएंगे, दो तीन चार और पांच, एक फंदा सीधा, फिर एक दो तीन चार और पांच, एक सीधा, फिर एक दो तीन चार और पांच, एक फंदा सीधा। ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी, पहले तीन थे अब पांच हुए, फिर सात होएंगे, ऐसे नौ होएंगे, एक सीधा, एक दो तीन चार और पांच, एक सीधा, एक दो तीन चार और पांच,
एक सीधा, एक दो तीन चार पांच, ये एंड में तीन फंदे हमारे सीधे। सीधी सिलाई, तीन फंदे सीधे, बाकी भी सीधे। ये यहां से हमने फिर जाली डालनी, जैसे आ गया ना सेंटर वाला फंदा, एक जाली और दूसरी जाली। जाली और दूसरी जाली, ये देखो ऐसे बनेगी, ये छोटी पत्ती बनी है देखो। एक दो तीन चार जाली, चार मैंने जाली डाल के फिर जब मैंने इधर से कटाई करनी शुरू की थी है, ये देखो ऊपर वाली हमने बड़ी बनाई थी ना पत्ती, ये देखो ऊपर हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात डाली थी, यहाँ मैंने चार डाली है बाजू में। आपने उससे बड़ी फ्रॉक बनानी हो ये जाली थोड़ी और भी डाल सकते हैं, पत्ती ये बड़ी बन जाएगी उतनी। बाजू की भी ऐसे ही है, जी आपने ये छोटे बच्चे की बना रही हो बड़ी बनानी हो तो आप ज़्यादा जाली भी डाल सकते हो, मैंने चार डाली या पाँच छः भी डाल सकते हो। इतनी बनाकर आपने फिर हमने कटिंग करनी शुरू की, यहाँ से बिल्कुल वैसे ही है प्रोसीजर जैसे ये किया हमने। चलो चार जाली डाल लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो ये मैंने चार जाली डाल ली, एक दो तीन चार। अब क्या करना, ये तीन फंदे सीधे ही, धागा आगे, दो का एक, बाकी फंदे सीधे। लास्ट में भी दो का एक, धागा आगे जाली, धागा आगे दो का एक। ये नई पत्ती स्टार्ट हो गई ना, दो का एक, धागा आगे जाली, फिर धागा आगे दो का एक। आपने बड़ी जाल बड़े फ्रिल बनानी हो तो आप जाली चार डाली, आप पांच भी डाल सकते हो छह भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। दो का एक, एक सीधा, धागा आगे जाली, धागा आगे फिर दो का एक। का एक कर देना, फिर धागा आगे जाली, फिर धागा आगे दो का एक।
का एक धागा आगे, जाली जो एक फंदा हमने सीधा बुना था उसके उसके आगे पीछे जाली दोनों पासे डलेगी, फिर धागा आगे दो का एक, दो का एक धागा आगे चाली, धागा आगे फिर दो का एक, दो का एक धागा आगे जाली, उल्टी सिलाई। जो हमने जाली डाली से वही फंदा हम सीधा ही बुनेंगे, बाकी फंदे उल्टे। ये फिर देखो जहाँ जाली डाली थी वो फंदा भी सीधा, एक फंदा और सीधा, ये भी जाली वाला, ये भी सीधा। अब तीन आगे आगे एक फंदा सीधा था, अब तीन फंदे सीधे हो जाएंगे, उधर से फंदे कटते जाएंगे, इधर हमारे बढ़ते जाएंगे। ये देखो एक दो और तीन, ऐसे आपने कंप्लीट कर लेना, फिर हम यहाँ फिर बंद कर देना बस। देखो ऐसे, फिर उसके बाद आपने सारी सिलाइयाँ सारे फंदे जो आएंगे ये सेंटर वाले सारे इकट्ठे करके जहाँ बटन पट्टी है हमारी ये वाली जहाँ से शुरू होगी वापस ऐसे घुमाकर फिर जहाँ से ऐसे बनेगा। आप बटन होल साथ साथ में आप करते जाना, ये देखो थोड़ा सा बनाकर आपको, फिर बना के थोड़ा आगे बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो पूरा हो गया, ये देखो धागा आगे, तीन फंदे बच गए हमारे ना, तीन का एक कर देंगे, फिर धागा आगे, ये फंदे सीधे, धागा आगे फिर तीन का एक, धागा आगे फिर जाली, बाकी फंदे सीधे, फिर धागा आगे तीन का एक, फिर धागा आगे जाली, बाकी फंदे सीधे, धागा आगे फिर तीन का एक, धागा आगे जाली। ऐसे आप रोप कंप्लीट कर लो, उल्टी सिलाई पूरी सीधी, फिर हम बंद कर देंगे। ऐसे पूरा कंप्लीट कर लो, ये
ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम इसे बंद कर देंगे। पूरा ऐसे ये देखो, ये भी पूरी बन गई। देखो छोटे छोटे हमारी पत्ती बन गई। अब हम सारा आगे पीछे वाला हिस्सा इकट्ठा कर लेंगे। ये देखो आगे वाला पीछे वाला सारा इकट्ठा हम बुनेंगे। ये आगे वाला है, और ये पीछे वाला। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा टाइट बुनना, क्योंकि ये हमने इसके साथ अटैच करना। इसके ऊपर तो कोई सिलाई नहीं आएगी, सिर्फ बाजू की हमारी सिलाई आएगी। ऐसे पूरा आपने ऐसे साथ करके ये वाली हम बाजू हम ऐसे सिलाई कर देंगे। ऐसे पूरा थोड़ा सा कंप्लीट करके अपने बच्चे के हिसाब से लंबाई रख के, तो आप जितना लंबा उस बनाना है बना लेना। सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के नीचे हम फिर ऐसी फ्रिल बनाएंगे, सेम ऐसी। अब आपको मैं बनाकर थोड़ा दिखाती हूँ फिर। देखो इकट्ठा हो गया, यहाँ से हमारा जोड़ और नाल जुड़ गया। अब पूरा हम राउंड में ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा बना के आपको दिखाती हूँ फिर मैं। जो देखो बन के पूरी तैयार हो गई है। नीचे भी मैंने जैसे मैंने बाजू की फ्रिल बनाई थी ना, नीचे भी पूरी ऐसी फ्रिल बनाई है। फ्रिल को ऊन थोड़ी ज़्यादा लगी है, इसलिए स्वेटर कम से कम 300 ग्राम ऊन लग गई है। और ये 1.5 से 2 साल के बच्चे से आराम से आ जाएगा। ये मैंने बाजू की सिलाई की है, ये देखो। यहाँ कोई सिलाई नहीं होनी, सिर्फ बाजू की सिलाई आनी है, जहाँ बटन लगा देंगे। ये बन के तैयार हो गई। आप भी बनाना, थोड़ी सी बड़ी बनानी हो तो आप एक दो जाली और डाल लोगे तो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। ये पत्ती भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पत्ती मैंने देखो छोटी बनाई है, यहाँ पत्ती बड़ी बनी है। और जाली डालोगे तो पत्ती और बड़ी बन जाएगी। आपके बच्चा का स्वेटर बड़ा बन जाएगा फिर। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।